हैशटैग भारत में आपका स्वागत है। राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर आज झारखंड हेडक्वार्टर में एक बड़ी मीटिंग आयोजित की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि झारखंड भर से आए हुए जिलों के कप्तान के साथ झारखंड के डीजीपी आज बैठक कर रहे हैं। इधर विगत दिनों राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर सवाल उठा है, इसको लेकर आज डीजीपी ने बैठक बुलाई है। हालांकि डीजीपी समय समय पर बैठक वीसी के जरिए लिया करते थे, लेकिन विगत दिनों विधि व्यवस्था पर सवाल उठने के बाद डीजीपी ने सभी जिलों के कप्तानों को यहां बुलाकर बैठक कर रहे हैं। और बैठक में सबसे बड़ी बात जो है वो सामने आ रही है कि विधि व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर। हालांकि इस बैठक में आज जो गृह सचिव है वह भी मौके पर पहुंचे और मीटिंग अटेंड की है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद झारखंड में विधि व्यवस्था कैसी रहती है। देखिए, राज्य सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर, लोगों में सुरक्षा की भावना, उनके संपत्ति की रक्षा, उनके सम्मान की रक्षा एक प्राथमिकता है और ये राज्य सरकार की ड्यूटी भी है, प्राइम ड्यूटी है। पुलिस तंत्र इसी व्यवस्था को देखने के लिए, मेंटेन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। यह मीटिंग डीजीपी साहब ने खासकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो बीच में सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसको लेकर, और एक सामान्य विधि व्यवस्था और अपराध को कैसे नियंत्रित रखा जाए उसको लेकर डीजीपी साहब ने बैठक बुलाई थी। चूंकि मैं पहली बार इस तंत्र से जुड़ा हूँ, अभी मेरे लिए नया था, तो मैंने भी उनसे रूबरू होकर राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएँ हैं उससे सभी एसपीज को एंड पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया। जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो इलीगल माइनिंग हो, नारकोटिक्स हो, या एक्सटॉर्शन हो, या आर्थिक अपराध हो, या किसी भी तरीके से जो जनता के बीच में असुरक्षा की भावना पैदा करता है उसको सरकार सख्ती से निपटेगी और इसके लिए आवश्यक चर्चा की गई और आवश्यक रणनीति तैयार की गई। सर, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो आपकी तरफ से दी गई हो? राज्य सरकार चाहती है कि हर कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी बात को सुनी जाए, उनको पुलिस से एक सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस मिल जाए। दूसरी बात कि वैसे हर घटना जिसका इम्पैक्ट जनता के बीच पड़ता है उस पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई करे और की गई कार्रवाई से लोगों को भी अवगत कराए आपके माध्यम से, क्योंकि एक घटना कहीं घटित हो भी सकती है, वो विकृत मानसिकता भी हो सकती है, वो कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशनल हो सकती है, लेकिन अगर वैसी कोई भी घटना है जिसका इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है वह घटना निश्चित रूप से रोकी जानी चाहिए और उस पर नियंत्रण करना चाहिए और वैसे अपराधियों पर जितनी जल्दी कार्रवाई कर उनको जेल के पीछे भेजना चाहिए। इन पर्टिकुलर जो ये गैंग सामने आया है अभी रिसेंटली ऑपरेट कर रहा है उनका जो किंपिंग है, तो ये सब चीजें आपको हो सकता है कि मैं उसकी निटी ग्रिटी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई हुई भी है, कतिपय कार्रवाई हुई है और कुछ कार्रवाई हो भी रही है। सर, इस जो घटना हुआ था उसमें झारखंड का छवि बहुत खराब हुआ, इन्वेस्टर भी इसमें आने के लिए सोचेंगे तो क्राइम? मुझे नहीं लगता है कि झारखंड की छवि खराब हुई है। झारखंड की पुलिस ने बिल्कुल मजबूती से अपना काम किया। ये एक लड़ाई है, लड़ाई में कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि वो भारी हो गया, बट वो एक छोटी सी पर्टिकुलर घटना है, लेकिन पुलिस का मनोबल बहुत ऊंचा है और जो घटना घटी है उसमें मैं नहीं समझता हूं कि कहीं से हमारी बदनामी हुई है, हमारा सर ऊंचा हुआ है कि हमारे पुलिसकर्मी जाबाज की तरह वहां खड़ा होकर उस व्यवस्था में लड़ने को तैयार है। नहीं, इसमें खुफिया तंत्र की कमजोरी नहीं है, खुफिया तंत्र और पुलिस बहुत समन्वय से काम कर रही है, सूचना आदान प्रदान होती रहती है हर स्तर पर, पुलिस कार्रवाई भी करती है। कुछ दिनों से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नक्सल गतिविधियां और कई अन्य तरह की जो अपराध हैं किसी पर फोकस होता है, कहीं फोकस कम हो जाता है कार्यभार से,
तो अभी सरकार ने चूंकि ये घटनाएं घटित होने लगी और इसका इम्पैक्ट दिखा, तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर पुलिस पूर्ण रूपेण कार्रवाई करे और स्ट्रॉन्गली उनका दमन करे। सर एक आपके सवाल है, सर जैमर को लेकर, जेल में लगे जो जैमर उनको लेकर हमेशा बातें होती हैं कि टूजी जैमर्स हैं लेकिन फोन अभी 5G यूज हो रहा है, इस जैमर को हम, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के चेंज से आप हम सब अवगत हैं, प्रतिदिन ये टेक्नोलॉजी चेंज करती है और ये शह मात का खेल चलता रहता है। ट्रेडिशनल मेथड जो उन पर कैदियों पर जो हम लोग करते हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जैसे पंजाब में बताया गया कि पंजाब के जेलों में लोकल जैमर्स लगते हैं, तो उस तर्ज पर हम लोग भी प्रयास करेंगे। तो हम भी डिफरेंट जेल से बातचीत करके क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज आ सकता है और क्या ट्रेडिशनल कार्रवाई हो सकती है, उससे हम जेल में इस तरह के दुरुपयोग पर रोक लगाने का प्रयास करें। #भारत के साथ अपने सहयोगी सुजीत के साथ नैयर।